सकारात्मक सोच और सकारात्मक पहल किसी भी बदलाव की प्रक्रिया को तेज कर सकती है, समाज का मन बदल सकती है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना केंद्र सरकार की एक ऐसी ही पहल है जो देश और समाज को विकास की मुख्यधारा में शामिल करने की दिशा में एक सार्थक पहल साबित हो रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की इसी पहल को आगे बढ़ा रही है मिर्जापुर पुलिस। मिर्जापुर पुलिस प्रशासन पुलिस अधीक्षक श्री आशीष तिवारी के नेतृत्व में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के उन युवाओं को विकास की प्रक्रिया में शामिल करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है जिनके भटकने की संभावना है। मिर्जापुर जनपद में स्थापित प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र में जनजातीय आदिवासी युवाओं और युवतियों को रोजगार परक प्रशिक्षण दिलाकर उनके लिए रोजी रोटी कमाने का एक माध्यम बन रहा है यह केंद्र। पुलिस प्रशासन दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्रों के युवाओं को मुख्य धारा में जोड़ने के उद्देश्य से उन्हें तकनीकी ज्ञान एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराने में उनकी मदद कर रहा है और प्रोत्साहित कर रहा है। मिर्जापुर के पुलिस अधीक्षक और उनकी टीम जनजातीय युवाओं को रोजगार पाने और स्वरोजगार के काबिल बनाने की पूरी कोशिश कर रही है ताकि समाज के सभी वर्गों का विकास हो सके। मिर्जापुर जनपद में कौशल विकास केंद्र की स्थापना की गई है और इस कौशल विकास केंद्र के अंदर में अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग दी जाती हैं, चाहे वो सौर ऊर्जा से संबंधित हो या फिर वो बिजली टेक्नीशियन का हो, कारपेंटर हो या वो आरओ का मरम्मत करने का ट्रेनिंग हो। और क्योंकि ये मिर्ज़ापुर में शुरू किया गया था और हमारे यहाँ 106 गांव जो हैं वो नक्सल प्रभावित हैं, इन गांव के अंदर में कई आदिवासी और कई गरीब तबके के व्यक्ति हैं जिनके पास में कोई रोज़गार का साधन नहीं है, इसलिए हमने जो है इसमें 65 लोगों को चूज़ किया है जो यहाँ पर जाकर ट्रेनिंग लेते हैं, निःशुल्क यहाँ पर रहने की व्यवस्था है और इसके साथ में इनको प्लेसमेंट भी दिया जाएगा कौशल विकास केंद्र के द्वारा। 3 महीने की इनकी ट्रेनिंग रहेगी। कौशल विकास के माध्यम से मिर्जापुर पुलिस आदिवासी जनजाति युवाओं को सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ भी जागरूक कर रही है जिससे कि वे देश की मुख्य धारा में रहते हुए कुछ रचनात्मक कार्य कर सकें और नए भारत के निर्माण में अपना योगदान कर सकें। पुलिस में हम लोग अपनी निर्धारित जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए इसके अतिरिक्त भी कुछ कार्य मिर्जापुर में कर रहे हैं जो कि हम लोग उसको अपनी सामाजिक उत्तरदायित्व समझते हैं। यहाँ पर जनपद मिर्जापुर में प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र के तहत ILFS कंपनी यहाँ पर आई हुई है जो जनपद के बेरोजगार लोगों को यहाँ अपना टेक्निकल प्रशिक्षण दे करके रोजगार सृजित करती है, उनको प्लेसमेंट देती है। हमने यहाँ पर यह किया कि नक्सल प्रभावित 107 गांव हैं वहाँ से बेरोजगार बच्चों जो हाई स्कूल या ग्रेजुएशन MA के बाद वो कई साल से पढ़ाई छोड़ चुके हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके सामने कोई रास्ता नहीं है, तो ऐसे लोगों को हमने बाकायदे इंटरव्यू लेकर के उनसे बात करके उनको इसमें जोड़ने का प्रयास किया है और विलिंगली वो तैयार हुए हैं। उनको 3 महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा और 3 महीने के प्रशिक्षण के बाद उनको यहाँ रोजगार ये कंपनी देगी। तो इस तरह से हम लोगों ने ये कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत ये कार्य प्रारंभ किया है। मिर्जापुर पुलिस समय समय पर दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में चौपाल लगाकर युवाओं को जागरूक करती है, खेलकूद के आयोजन कर उन्हें प्रेरित करती है। मिर्जापुर पुलिस प्रशासन के इस सकारात्मक प्रयासों का असर दिख रहा है और नक्सल प्रभावित इलाके के युवा मुख्य धारा में लौटने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। आजकल स्किल में फिटनेस भी काफ़ी जो है उभर के आया है, तो उसमें इन लोगों को फिटनेस की ट्रेनिंग भी दी जाएगी जिससे फिटनेस इंस्ट्रक्टर का काम कर सकें वहाँ पर। इसके अलावा कुछ स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट भी हमारे द्वारा ऑर्गेनाइज कराए जा रहे हैं, चाहे वो वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, क्रिकेट हो, इसमें इन लोगों को किट्स वगैरह और ये सब भी सप्लाई की जा रही हैं जिससे कि जो लोग हैं उनका डर दूर हो और वो पुलिस के साथ मिलकर नक्सल क्षेत्र में काम करें। मिर्जापुर पुलिस प्रशासन के सकारात्मक पहल के फलस्वरूप आदिवासी जनजातीय युवक युवतियां
तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र की ओर रुख कर रहे हैं। प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त करने में सहयोग करने के बारे में भी मिर्जापुर पुलिस कार्य योजना बना रही है। मिर्जापुर पुलिस प्रशासन कौशल विकास योजना के माध्यम से युवकों और युवतियों को देश की मुख्य धारा में लाने की भी पूरी कोशिश कर रहा है, जिसमें उसे सफलता मिलती हुई दिखलाई पड़ रही है। महिलाओं के केस में हम लोग ग्रीन गैंग जो है एक हमारा इनिशिएटिव है जिसको हम चालू करना चाह रहे हैं, जिसमें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं इस क्षेत्र की, उनको ट्रेनिंग देके पुलिस मित्र बनाकर, पुलिस मित्र का कार्ड देके उनको 100 नंबर के बारे में बताकर महिला जो मारपीट होती है या फिर जुआ है, शराब है, इन कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए भी बताया जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र मिर्जापुर पुलिस प्रशासन के प्रयासों को सफल करने में सहयोग कर रहा है। पढ़ाई छोड़ चुके युवाओं को हर तरह की सुविधा एवं सहयोग देकर कौशल विकास केंद्र मिर्जापुर पुलिस प्रशासन की राह आसान कर रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र के प्रशिक्षण के माध्यम से मिर्जापुर पुलिस प्रशासन नक्सल प्रभावित इलाकों के युवकों युवतियों को रोजगार परक प्रशिक्षण उपलब्ध कराकर उनका मन बदलने का प्रयास कर रहा है, जिससे कि समाज का वंचित तबका देश की मुख्यधारा में शामिल हो सके। ऐसे ही प्रयासों से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का कौशलपूर्ण नए भारत का सपना साकार हो सकेगा। गुड इवनिंग इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा नवाचार यानी इनोवेशन के लिए प्रोत्साहन करते हैं, तो यदि हमारे सामने कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, सवाल उठता है कि आज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कैसे हम इनोवेटिव सॉल्यूशंस ला सकते हैं। इस समय कार्यक्रम में हमारे साथ हैं प्रतीक शर्मा, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, इनोवेटर हैं। गुड इवनिंग प्रतीक। गुड इवनिंग। तो ये बताइए कि अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि स्मॉग की चुनौती है और वायु प्रदूषण से हमें लड़ना है, तो क्या हम इनोवेशंस ला सकते हैं, इनोवेटिव सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? जी, वायु प्रदूषण एक बहुत ही मेगा प्रॉब्लम है। अगर हाल ही की बात करें तो दिल्ली में जिस प्रकार का पॉल्यूशन बढ़ चुका है वो एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है हम सभी देशवासियों के लिए। एंड उसके लिए हम सभी को मिलजुल कर, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया कि हमें स्टेप्स लेते रहने चाहिए, ख़ास तौर पे पोल्यूशन को कम करने के लिए। और टिल द टाइम जब तक हम लोग वो स्टेप्स ले रहे हैं, तो ख़ास तौर पर वो पोल्यूशन हमारे शरीर में ना जाए और हमें इफ़ेक्ट ना करे, उस चीज़ को करने के लिए हमेशा ही हम जैसे, आप जैसे और सभी भारतवासियों को हमेशा कारगर रहना चाहिए कि क्या कुछ इनोवेशन हम कर सकते हैं। इसी प्रकार की एक इनोवेशन कुछ समय पहले हमने भी तैयार करी नेज़ो फिल्टर्स के तौर पे, जो कि पॉल्यूशन तो बहुत मेगा प्रॉब्लम है बट सॉल्यूशन एक बहुत नैनो साइज़ में हमने प्रोवाइड किया। नैनो पार्टिकल्स, नैनो फाइबर्स का इस्तेमाल करते हुए, नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एक मेगा प्रॉब्लम से लड़ने के लिए हम लोग आ खड़े हुए हैं यहाँ पे। तो थोड़ा बताइए, जो आपने शब्द इस्तेमाल किया नैनो टेक्नोलॉजी, क्या है ये तकनीक? जी, नैनो टेक्नोलॉजी एक ऐसी तकनीक है जिस तरीके से हम लोग नैनो फाइबर्स कुछ बनाते हैं। नैनो फाइबर्स से मेरा मानना ये है कि जैसे कि एक फैब्रिक होता है, एक कपड़ा होता है, उसके कुछ थ्रेड्स होते हैं, उसके थ्रेड्स के साइज़ को, उसके डायमीटर को अगर हम लोग 100 times रिड्यूस कर दें तो वो एक नैनो साइज़ के अंदर चला जाता है। अच्छा। तो उसी तकनीक को यूज़ करते हुए कुछ चंद पॉलीमर्स होते हैं जिनका ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस चीज़ के अंदर, और इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए, बायोडिग्रेडेबल तौर पे इस्तेमाल करते हुए हमने नेज़ो फिल्टर्स का इजाद किया है। तो नेज़ो फिल्टर्स फिर नाक में लगाए जाएंगे? जी ज़रूर, ये नाक पे लगाया जाता है। ऐसा जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे हालांकि पॉल्यूशन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे जहाँ हम बैठे हैं, बट नेज़ो फिल्टर्स आप मेरे नाक पे देखें तो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ। और बिल्कुल, ये एक पैच है बेसिकली जो आप अपने नेज़ल ओरिफिस पे स्टिक कर सकते हैं। एंड अनलाइक फेस मास्क, ये आपका फेस पूरा कवर नहीं करता है। आप और मैं वार्तालाप कर सकते हैं, आप और मैं खाते पीते बात कर सकते हैं। जी, तो देखिए किस तरह की इनोवेशन है कि इस समय लाइव गुड इवनिंग इंडिया में प्रतीक शर्मा हमारे साथ बैठे हैं, और यदि आप देखें तो इन्होंने नाक के ऊपर नेज़ो फिल्टर लगाया हुआ है। तो क्या आप इसे निकाल के दोबारा लगा सकते हैं ताकि हमारे व्यूअर बिल्कुल पहचान जाएं कि यह है एक प्रोडक्ट? जी बिल्कुल।
ये देखिए, ये नेजो फिल्टर जो कि नाक में प्रतीक ने लगाया था, उसे रिमूव कर रहे हैं, चंद सेकंड की बात है, और फिर इसे दोबारा भी लगा सकते हैं। और जैसे हम मास्क पहनते हैं, उसके कंपैरिजन में एक छोटी सी चीज़ नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित पोल्यूशन से लड़ने के लिए नेजो फिल्टर। वाह, आईआईटी दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग करी है प्रतीक ने, और आईआईटी दिल्ली में एक इंक्यूबेशन सेल भी है जहां पर इस तरह की इनोवेशंस को बढ़ावा दिया जाता है। और इनोवेशन में बस यही है, जो भी चुनौती है क्या उसमें एक अवसर खोज सकते हैं हम? ये लग गया नेजो फिल्टर। अब मुझे बताइए, जो बात हो रही थी PM1, PM2.5, PM10, क्या ये नेजो फिल्टर उस पार्टिकुलेट मैटर से मुझे बचा लेगा? जी, PM2.5 जैसा कि मैं बताना चाहूँ आपको, मोस्ट पेनिट्रेटिंग पार्टिकल होते हैं जो कि हमारे लंग्स से पार करके हमारी ब्लड स्ट्रीम तक जाते हैं। और PM10 थोड़े चार गुना इससे बड़े साइज़ के पार्टिकल रहते हैं। PM10 आमतौर पे देखा जाता है कि जो हमारे नोज़ हेयर्स होते हैं उसमें भी फंस के वो रह जाते हैं, बट जो PM2.5 होता है वो उनको पेनिट्रेट करता है। तो ये जो नेजो फिल्टर्स हमने ईजाद किया है ये कारगर है PM2.5 और PM10 दोनों ही को एक भारी मात्रा में रोकने के लिए, और एयर जो आपके शरीर में जाएगी उसको परमिसिबल लिमिट्स के अंदर लाने के लिए, जो कि लिमिट आज इस मौजूदा कमरे में हमारे सामने है। तो एज एन इनोवेटर, वुड यू ऑल्सो देन एक्सटेंड द स्कोप फर्दर टू रिसर्च कि ये PM1 को भी रोक ले आगे चल? जी बिल्कुल, हम इस पर बिल्कुल काम कर रहे हैं। हमारे रिसर्चर्स, हमारी टीम 2400 घंटे इस चीज़ के लिए काम कर रही है, कैसे हम लोग और एक्सटेंड तक पहुँचें। बट अभी जो करंट सिनेरियो है यहाँ पे दिल्ली के अंदर या देश के अंदर, PM2.5 जैसा कि मैंने बताया सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पार्टिकल होते हैं, सबसे ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, एंड नेजो फिल्टर्स हमने PM2.5 को ध्यान में रखते हुए ही ईजाद किया है। तो PM के अलावा, पार्टिकुलेट मैटर के अलावा, क्या गैसेस से भी मुझे प्रोटेक्ट करता है नेजो फिल्टर? जी, नेजो फिल्टर्स अभी के दौरान पे गैसेस के लिए हमने नहीं डिज़ाइन किया है। हमारा फ्यूचर विजन नेजो फिल्टर्स के लिए डेफिनेटली यस ये करेगा। हाल के टाइम पे ये पार्टिकुलेट मैटर्स के लिए सक्षम है। तो जैसे मान लीजिए आपने सांस ली नाक से, तो क्या ये बैरियर तो नहीं होता जब फिल्टर लगा देते हैं? जी बिल्कुल नहीं, यही खास इनोवेशन रहा नेजो फिल्टर्स की टेक्नोलॉजी को बनाने में। क्योंकि नेजो फिल्टर्स आपके नाक के इतना करीब रहता है, एज एन हेल्दी ह्यूमन बींग ये 4 मिली बार से नीचे का अगर प्रेशर ड्रॉप हम दें तो वो एक हेल्दी रहता है आपके लिए, और नेजो फिल्टर्स उससे भारी मात्रा में 8 गुना 10 गुना ज़्यादा ब्रीदिंग रेजिस्टेंस कम देता है। और इस टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल करने से हमें ये पहला तो ये फ़ायदा, और दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि जो बहुत ही छोटे कण होते हैं PM2.5 लेवल के, वो भी ये भारी मात्रा में रोक देता है ये नैनो फाइबर्स। तो प्रतीक, जैसे मास्क कई बार लोग इस्तेमाल करते हैं और आप कुछ दिन मास्क पहन सकते हैं, तो अगर मैंने ये फ़िल्टर लगाया ये मैं कुछ दिन पहन सकता हूँ? जी ज़रूर पहन सकते हैं। नेजो फिल्टर्स के अंदर हमने एक यूनिक टेक्नोलॉजी, यूनिक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है जो कि सरफेस फिल्ट्रेशन कहलाता है। सरफेस फिल्ट्रेशन से मेरा मानना यह है कि जब आप नेजो फिल्टर्स को इस्तेमाल करते हैं और जब आप अपना सांस वापस छोड़ते हैं तो ये ऑटो क्लीन कर देता है, जिससे कि इसकी ड्यूरेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसा कि एक फेस मास्क का मैकेनिज्म होता है, वहाँ पे डेप्थ फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म यूज़ होता है। डेप्थ फिल्ट्रेशन से मेरा मानना यह है कि मल्टीपल लेयर्स रहती हैं उसके अंदर, जिसके कारण पार्टिकल्स उसके अंदर फंस के रह जाते हैं और वो चोक हो जाता है। जी, अनलाइक इन नेजो फिल्टर्स आपका पार्टिकल बाहरी लेयर पे ही रहता है क्योंकि ये 2D लेयर है, और जब आप सांस वापस छोड़ते हैं, जब आप एक्सहेल करते हैं, ये ऑटो क्लीन कर देता है। नेजो फिल्टर्स आप सुबह से लेकर रात तक और रात को सोते टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको डिस्पोज करने के लिए जब आप इसको निकालेंगे तभी आप इसको डिस्पोज करें, अदरवाइज ये एक लंबे समय तक आप इस्तेमाल कर सकते तो हैं। रात को अगर मैंने इसको निकाला, वही मैं फिल्टर सुबह नहीं फिर इस्तेमाल कर सकता? ये यूज एंड थ्रो रहेगा, क्योंकि वो जब आप उसको निकाल देते हैं तो वो जो फाइबर्स होते हैं वो सब डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरीके का प्रेशर फोर्स उस पर लगता है जब आप उसको निकाल रहे होते हैं, तो वो उसका शेप थोड़ा सा रह जाता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने, चूँकि ये वन टाइम यूज़ है, तो हमने सभी लोगों के लिए, क्योंकि पॉल्यूशन सभी लोगों के लिए बराबर है, आपके लिए, मेरे लिए और हर देशवासी के लिए बराबर है, तो ऐसा एक सॉल्यूशन होना चाहिए जो कि सभी के लिए बराबर हो और सभी उसको अफोर्ड कर सकें। तो नेजो फिल्टर्स को और टेक्नोलॉजी को बनाने के पीछे हमने अफोर्डेबिलिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा, और नेजो फिल्टर्स मात्र 10 रुपये के अंदर हम लोग बहुत ही जल्द मार्केट में लेके आ रहे हैं। यानी अभी बाज़ार में उपलब्ध नहीं है लेकिन जल्द होगा?
नेजो फिल्टर्स दिल्ली वालों के लिए हम लोग वैसे भी दे रहे हैं। दिल्ली अच्छा। वालों के लिए हमने गिफ्ट प्योर एयर एक कैंपेन स्टार्ट किया है सोशल मीडिया पे, जिसके थ्रू भारी रिक्वेस्ट हमारे पास आ रही है। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 40,000 से भी ज़्यादा नेजो फिल्टर्स हमने पिछले 4 दिनों के अंदर दिल्ली वासियों को गिफ्ट किए हैं। अच्छा। और कल चूँकि चिल्ड्रंस डे है तो कल हम लोग सिर्फ और सिर्फ बच्चों को गिफ्ट प्योर एयर कर रहे हैं नेजो फिल्टर्स के माध्यम से। और 2 दिसंबर जो कि नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे भी है, उस दिन से नेजो फिल्टर्स को आप परचेज कर सकेंगे ऑनलाइन रिटेल शॉप्स, हर जगह नेजो फिल्टर्स अवेलेबल हो। तो दस वन साइज फिट्स ऑल, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबकी नाक अलग, तो एक ही साइज या अलग अलग साइजेस जी? इस पे हमने बहुत ही गंभीर स्टडीज करी हैं और इस स्टडीज के बाद ही नेजो फिल्टर्स का हमने डिजाइन तैयार किया, जिस डिज़ाइन के अंदर हमने कुछ साइजेस भी रखे हैं, लुकिंग एट द फैक्ट दैट आपका नोज का एंगल क्या रहता है एंड लुकिंग एट द फैक्ट दैट इसमें आपके साइजेस क्या रहते हैं, उसी के तौर पे हमने 3 साइजेस का इनोवेशन किया है जी। तो अगर कोई भी इनोवेटर एक आइडिया लेकर आता है तो उसका स्टेप क्या है, स्टार्टअप कैसे शुरू करे वो? जी, स्टार्टअप शुरू करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड होता है स्टार्ट। तो स्टार्टअप शुरू करने के लिए आपको स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आइडिएशन फेज़ के अंदर बहुत ही लोग लंबे समय तक रहते हैं, बट आइडिएशन से एग्जीक्यूशन और एग्जीक्यूशन से उसके सक्सेसफुल कंप्लीशन के बीच की जो जर्नी होती है वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। आइडिएशन के तौर पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि कैसे हम लोग जाके उसको एग्जीक्यूशन लेवल पे लेके आए, तो स्टार्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है जी। तो थोड़ा गाइड करिए, अगर किसी के पास आइडिया है उसको क्या संघर्ष आएगा, क्योंकि यू हैव बीन ऑन दैट वे, और उस संघर्ष से वो कैसे निपटे? जी, संघर्ष से निपटने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उस आइडिया को वैलिडेशन के लिए आपको कुछ चंद लोगों से, जितने ज़्यादा लोगों से मैं सजेस्ट करूँगा, आप डिस्कशन कर सकते हैं, एक फीडबैक ले सकते हैं, क्वेश्चनेयर तैयार कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड रहती हैं, क्या मार्केट रिसर्च इसके पीछे रहती है, वो चीज़ें आपको देखते हुए ही अपने प्रोडक्ट को इजाद करना चाहिए। अगर मैं नेजो फिल्टर्स की अपने खुद के ही एक्सपीरियंस की बात करूं यहाँ पे, तो नेजो फिल्टर्स जैसा कि आप अभी देख रहे हैं ये इस कलर का नहीं था। अच्छा। नेजो फिल्टर्स था पहले स्किन कलर का। अच्छा। आज से 6 महीने पहले ये स्किन कलर के अंदर हम लोग वर्क कर रहे थे, हमने टेक्नोलॉजी भी उसी के अकॉर्डिंग बिल्ड करी थी। फिर हम लोग गए मार्केट रिसर्च की तरफ जी, कि कितने ज़्यादा लोग इसको पसंद करते हैं। ये इफेक्टिव तब भी था, ये इफेक्टिव अब भी है, लेकिन उस टाइम पे एस्थेटिक्स एक बहुत बड़ा कारण बना नेजो फिल्टर्स की कम एक्सेप्टेंस का, क्योंकि लोगों को ये दिखाई देता था। तो अगर आपने या मैंने लगा रखा है और मैंने अगर इसको लगा रखा है और आपको देखने में वो शायद अच्छा नहीं लग रहा है जी, तो मैं ज्यादा टाइम तक उसको लगा नहीं पाऊंगा, या आप भी मुझे सजेस्ट करेंगे उस चीज के लिए। पर ये बताइए, ये जब संघर्ष होते हैं तो जैसे IIT में इंक्यूबेशन सेल है, थोड़ा बताइए कि इंक्यूबेशन सेल का क्या रोल रहता है? जी, इंक्यूबेशन सेल का, जैसे अगर नेजो फिल्टर्स की बात करें तो नेजो फिल्टर्स की टेक्नोलॉजी हमने IIT दिल्ली के अंदर ही डेवलप करी है, IIT दिल्ली के पार्टनरशिप के अंदर ही हमने डेवलप करी है, और इस तरीके का फ़ायदा और लैब असेस, हायर इक्विपमेंट्स, हायर एक्सपर्टीज के असेस हमें आसानी से मिलते हैं इस चीज़ के अंदर, और जो सही मार्गदर्शन की रिक्वायरमेंट रहती है वो हमें मिल जाता है। प्रोडक्ट प्राइसिंग कैसे करे कोई भी इनोवेटर, कैसे जाने कि फलानी चीज़ सिर्फ 10 रुपये की ही रखें? जी, प्रोडक्ट प्राइसिंग करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप सभी कैटेगरीज को लिस्ट डाउन करें, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ योर कॉस्ट, इंक्लूडिंग योर ऑपरेशनल कॉस्ट, इंक्लूडिंग योर मार्केटिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, टैक्सेस, ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एंड देन योर प्रॉफिट जो आप डिज़ायर करते हैं इस चीज़ के अंदर, उसको ध्यान में रखते हुए ही आप उस चीज़ को बनाएं। जिस चीज़ का हमने इजाद किया उस चीज़ के अंदर हम लोगों ने कॉस्टिंग उसी अकॉर्डिंगली रखी। हमने अपना एक टारगेट रखा था कि इसको कॉस्टिंग हम लोग अफोर्डेबल ज़रूर बनाना है, क्योंकि सॉल्यूशन और भी बहुत होते हैं। इस स्टैंडर्ड के जो भी मास्क आते हैं वो 300 से अधिक रुपए में स्टार्ट होते हैं, बट देन दे आर इफेक्टिव, बट देन दे आर नॉट अफोर्डेबल। आप उसको ज़्यादा लंबे टाइम तक फिर भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके का आज दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन है वो 36 घंटे 40 घंटे से ज़्यादा कारगर नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया डेप्थ फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म यूज़ हो रहा है। तो 300 रुपये पर डे हर आदमी नहीं यूज़ करना चाहता है, प्रॉब्लम कितनी भी गंभीर हो वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो वो कैसे उससे संघर्ष कर पाएगा। इसीलिए सॉल्यूशन निकालने के लिए अफोर्डेबिलिटी भी ध्यान में रखी और अपना टारगेट कस्टमर भी ध्यान में रखा जी। एंड ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ऑल्सो ट्वीटेड ब्रिंगिंग टू द नोटिस ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया अबाउट द अफोर्डेबिलिटी ऑफ दीज फिल्टर्स, एंड दैट वाज अ प्राउड मोमेंट। Yeah, बिल्कुल। And also earlier President
Pranab Mukherjee also felicitated you. So, successive presidents talking about your product certainly motivates an innovator. जी बिल्कुल. जिस तरह का माहौल जब नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया हमारी टीम को, जो माहौल रहा वो हम सभी के लिए, इंक्लूडिंग माय पेरेंट्स, इंक्लूडिंग माय फैमिली, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ अस जो हमारे टीम मेंबर्स थे, वो बहुत ही एक भावुक मूवमेंट था और बहुत ही एक एनकरेजिंग मूवमेंट था जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने हमें सम्मानित करके और ज़्यादा मोटिवेट किया. और अभी हमारी जो टीम है 2400 घंटे काम कर रही है कि किस तरीके से दिल्ली वालों को एक शुद्ध हवा, साफ हवा गिफ्ट करी जाए और प्रदान करी जाए. तो आगे व्हाट्स द वे फॉरवर्ड, आपको क्या लगता है इस प्रोडक्ट में और क्या नई वैल्यूडेशन हो सकती हैं और कॉम्पिटिशन किस तरह का आप देखना चाहेंगे ताकि और भी लोग स्टार्टअप्स करें इस क्षेत्र में और हम जैसे एयर पोल्यूशन का जो मुद्दा है उससे हम लड़ सकें? जी बिल्कुल, बहुत ही आवश्यक चीज़ है ये. एयर पोल्यूशन का मुद्दा बहुत ही गंभीर मुद्दा है. इसको संघर्ष करने के लिए हम सभी को आगे बढ़ना चाहिए. सफाई अपनी जगह है, सरकार अपनी मेहनत करी रही है, बट एज अ सिटीज़न, एज एन टेक्नीशियन हम लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है, एज एन IITian हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि जितना भी हम अपनी एक्सपर्टीज़ उस टेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ करके जो भी ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकें उसको स्टार्ट करके. इसमें अभी स्कोप है इनोवेटिव सॉल्यूशंस का और जी बहुत ज़्यादा स्कोप है. नेजो फिल्टर्स की ही अगर बात करी जाए तो नेजो फिल्टर्स के अंदर स्कोप वायरसेस को लेने के लिए भी है, स्वाइन फ्लू तक भी जाने के लिए है नेजो फिल्टर्स के अंदर. गैसेस के अंदर आज नेजो फिल्टर्स हम लोग नहीं बोलते हैं कि नेजो फिल्टर्स उससे रोकेगा, बट देन इन फ्यूचर वी हैव अ विजन दैट आवर टेक्नोलॉजी कैन गो अहेड इन दैट एस्पेक्ट एज वेल. राइट, आई एम श्योर दैट योर सक्सेस स्टोरी विल मोटिवेट मेनी अ यंगस्टर्स टू थिंक अबाउट फिल्टर्स एंड अदर इनोवेटिव प्रोडक्ट्स सो दैट वी कैन टेक केयर ऑफ द एयर पोल्यूशन. एंड फॉर शेयरिंग योर जर्नी प्रतीक, थैंक यू वेरी मच एंड कंग्रेचुलेशन. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक्स. चलिए पिछले साल भर की अगर बात करें तो एक महत्वपूर्ण घोषणा जिसका प्रभाव हमें बहुत से क्षेत्र में देखने को मिला वो थी डीमोनेटाइजेशन. आइए जानें कि आखिरकार नोटबंदी की जो घोषणा थी पिछले साल भर में उसने कैसा असर दिखाया. नोटबंदी साल एक, खुशियां अनेक. भ्रष्टाचार पर लगाम 9 नवंबर 2016 के बाद 10 जनवरी 2017 तक 1000 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी. काले धन के खिलाफ छापों की कार्रवाई में सैकड़ों करोड़ रुपए प्राप्त हुए. 56 लाख नए करदाता शामिल हुए. लगभग 2.24 लाख फर्जी कंपनियां पकड़ी गई. जाली नोटों और काले धन पर लगाम. आयकर विभाग की ओर से 31 जनवरी 2017 को ऑपरेशन क्लीन मनी की शुरुआत. देश विरोधी गतिविधियों में कमी. कश्मीर घाटी में आतंकवाद से जुड़ी घटनाओं में 75% की कमी. नक्सली गतिविधियों पर चोट 20% की कमी. नक्सलियों का समर्पण. डिजिटल पेमेंट में बढ़ोतरी. कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते कदम. भीम ऐप और USSD से डिजिटल पेमेंट में बढ़ोतरी. व्यापारी वर्गों द्वारा POS मशीन का उपयोग. रुपे कार्ड से प्रतिदिन लाखों का भुगतान. SIT का गठन. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से बिचौलिए युग की समाप्ति. सरकार को इससे 57,029 करोड़ रुपए राजस्व की बचत. DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से वर्ष 2016-17 से 41.63 करोड़ लोगों को सीधा लाभ. लगभग 100 शहरों में डिजिधन मेला का आयोजन. नकदी के प्रयोग में कमी से सैकड़ों ATM बंद हुए जिससे बैंकों को इसके रखरखाव पर होने वाले खर्चों में कमी. राजस्व में वृद्धि. आम लोगों को फायदा. चालू वित्त वर्ष में 18 सितंबर 2017 तक प्रत्यक्ष कर राजस्व का संग्रह 15.7% से बढ़कर 3.7 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंचा. आम बजट 2017-18 में 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की आमदनी पर आयकर 10% से घटाकर 5% की गई. 5 लाख रुपए से कम आय वाले सभी करदाताओं की कर देनदारी घटकर शून्य हो गई. भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार नोटबंदी के बाद 99% पुराने अमान्य नोटों की बैंकों में वापसी. नोटबंदी से बैंकों में काफी बड़ी मात्रा में डिपॉजिट आया. इसका फायदा बैंकों ने आम आदमी को सस्ते कर्ज के तौर पर दिया है.
विश्व बैंक ने उम्मीद जताई है कि नोटबंदी की सफलता से भविष्य में राजस्व बढ़ाने में मदद मिलेगी। नोटबंदी से बनता सशक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत। गुड इवनिंग इंडिया। आपको कल और परसों सुबह जो कार्यक्रम आज सवेरे जाता है उसमें हमारे मेहमान कौन होंगे इसकी जानकारी ज़रूर देना चाहेंगे। 14 नवंबर की बात करें तो बाल दिवस भी है और साथ ही विश्व भर में इसे डायबिटीज़ डे के रूप में मनाया जाता है। सोचिए अगर कोई स्टूडेंट है और उसे डायबिटीज़ है तो स्कूल में वो इंसुलिन कैसे लेगा, बच्चों में डायबिटीज़ ना हो इसके लिए हमें क्या करना होगा। इन तमाम प्रश्नों के जवाब हमें डॉक्टर निखिल टंडन देंगे। याद रखिए 14 नवंबर सुबह 7:30 बजे दूरदर्शन पर। और फिर बुधवार की अगर बात करें तो इसी कार्यक्रम में सुबह 7:30 बजे आज सवेरे में हमारे साथ होंगे CRPF के चेतन चीता। उनकी जो वीर गाथा है उनकी जबानी ज़रूर सुनिएगा। लेकिन गुड इवनिंग इंडिया में अब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करना चाहेंगे। अलग अलग राज्य हैं, उनकी संस्कृति है और यदि हम जानेंगे तो ये श्रेष्ठ भारत बन जाएगा। इसी क्रम में केरला की अगर बात करें तो 1 नवंबर को केरला फॉर्मेशन डे मनाया गया। केरला भवन में किस तरह की गतिविधियाँ रही आइए देखें। दक्षिण भारत का राज्य केरल। केरल धरती पर सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। प्राकृतिक सुंदरता की मोहक छटा यहां देखने को मिलती है। हरी भरी प्रकृति के बीच कुछ पल बिताना यादगार बन जाता है। जहां तक नजर जाती है अनुपम और अनूठा ही देखने को मिलता है। आंखें थकती नहीं और मन इन दृश्यों को देखकर भरता नहीं है। यहां परंपरा की मिठास है, लोक संस्कृति के कई रंग हैं और अपनी अलग पहचान भी। यहाँ के समुद्र तट दुनिया भर में लोकप्रिय हैं और वहीं हाउस बोट के सहारे शहरों को घूमने का आनंद कुछ ऐसा जिसके कहने ही क्या। विश्व भर के पर्यटकों के लिए केरल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। केरल भारत के सबसे शिक्षित राज्यों में से एक है। केरल राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। केरल के 61 वर्ष पूरा होने पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के केरल भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पर्यटन मंत्री केजी अल्फोनस इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर कई नामचीन हस्तियां भी मौजूद थीं। विशिष्ट मेहमानों को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर कई विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। पीके सुभाष ने विजेताओं को पुरस्कृत कर उनका हौसला बढ़ाया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण सांस्कृतिक कार्यक्रम रहे।
गुड इवनिंग इंडिया। चलिए चलते चलते रेडियो फॉर चाइल्ड अवार्ड्स की बात करना चाहेंगे। पिछले दिनों मुंबई में रेडियो फॉर चाइल्ड अवार्ड्स का दूसरा संस्करण का आयोजन हुआ और जैसा कि नाम बता रहा है रेडियो फॉर चाइल्ड, ये एक साझा प्रयास था ऑल इंडिया रेडियो और यूनिसेफ के बीच, ताकि जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जैसे कि चाइल्ड हेल्थ, जैसे कि रूटीन इम्यूनाइजेशन, जैसे कि जो महिला और बच्चे हैं उनके प्रति जो अपराध होता है उसे हम कैसे लड़ सकें, और इसके लिए जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो अच्छे जिंगल्स बने हैं, कार्यक्रम बने हैं, उसका प्रचार प्रसार कैसे हुआ, विभिन्न कैटेगरीज में अच्छे प्रदर्शन के लिए रेडियो से जुड़े लोगों को सम्मानित किया गया, इन दृश्यों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। कार्यक्रम देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।